हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम बनाने वाले हैं हवन सामग्री एकदम आसान और सरल तरीके से अपने घर पर, जिसके लिए हमको चाहिए जौ, काले तिल, सफ़ेद तिल और चावल, जिनको धो के हमें बहुत अच्छे से सुखा लेना है, जिससे वो बिल्कुल अच्छे से सूख जाए, जिसको हम स्टोर करके 10 या 15 दिन के ये आसानी से रख सकें। और हमारे छत पे गमले में एक गुलाब का फूल खिला हुआ था, तो हमने उसको भी तोड़ के उसी में ऐड कर दिया है, जिसकी बहुत अच्छी सी स्मेल आएगी। और ये हमने ले ली है हवन सामग्री, जो मार्केट में मिलती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं जो हमको इजीली नहीं मिल पाती हैं, घर में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, इसलिए हमने इसको ऐड कर लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें वरना ना ऐड करें। और ये हमने ले लिया है गूगल, लोबान और कपूर को अच्छे से हमने पीस लिया था। और अब ऐड कर लेंगे हम इसमें शुद्ध देसी गाय का घी। अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं कम या ज़्यादा। मैंने यहाँ पे 5 टेबल स्पून घी ऐड किया है, जो हमारी जितनी हवन सामग्री मैं बना रही हूँ उसके लिए उतना काफ़ी है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें हवन सामग्री में और डाल सकते हैं, जैसे लौंग हुए, कमल गट्टे हैं और शहद है, लेकिन इस समय मुझको उपलब्ध नहीं हो पाया तो मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको उपलब्ध हो सके तो आप ज़रूर डालिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारा घी पूरे सामग्री में अच्छे से मिक्स हो जाए, जो मुझे रोज़ रोज़ मिक्स करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको कम लगे तो आप जब इस्तेमाल करें हवन करने के लिए, तो आप इसमें घी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, कम या ज़्यादा। अब इसके साथ ही अब ऐड करेंगे हम इसमें चीनी, अपने अनुसार आप ऐड कर सकते हैं कम या ज़्यादा। इसमें कोई नाप तोल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम रोज़ हवन के लिए बना रहे हैं, जो पर डे बेसिस पे हम लोग हवन करते हैं, पूजा करते हैं रोज़ की, उसके हिसाब से। तो इसमें कोई नाप तोल नहीं है, आप अपने हिसाब से सामान डाल सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने पंचमेवे, जो मैंने काट के रख लिए थे। और अब हमारी हवन सामग्री एकदम रेडी है। अब हमारे नवरात्र आ रहे हैं, तो नवरात्र की रोज़ की पूजा में जो हम माता रानी की पूजा करते हैं और उसमें छोटा सा हवन करते हैं अपना डेली बेसिस पे, उसके लिए हमारी हवन सामग्री बिल्कुल रेडी है। हम इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी शुद्ध एकदम पवित्र हवन सामग्री रेडी है। मार्केट की हवन सामग्री कभी उसमें कीड़े निकल आते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। घर पे अगर आप इजीली बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइए, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो या हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।